हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और बस अभी हम जा रहे हैं पापा से मिलने के लिए। तो मैं मायके तो गई थी लेकिन पापा मेरे गांव में थे, तो इसीलिए जो है पापा मुझे नहीं मिल पाए थे। तो पापा मुझे कब से बुला रहे हैं कि आ जाओ, तो बस अभी जो है उनकी छुट्टी है सैटरडे संडे की, तो मैंने सोचा कि उनसे मिल लिया जाए। तो बस उनसे मैं जो है मिलने के लिए जा रही हूँ आज। तो वो जो है गांव में नहीं है फ्रेंड्स, वो जो है इंदौर आ गए हैं सैटरडे संडे की छुट्टी पे, और हमारे गांव में बहुत ज्यादा गर्मी है इसीलिए उन्होंने बोला कि जो है तुम इंदौर ही आ जाओ। तो अभी जो है बस हम इंदौर के लिए निकल रहे हैं। तो सारी पैकिंग हमारी हो चुकी है और ये सामान भी ले जा चुके हैं, तो बस अभी जो है हम चलते हैं इंदौर। तो चलिए आपको भी साथ में लेकर के चलते हैं। भाभी हम जा रहे हैं, ठीक है? जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम जा रहे थे तो हमारे दादा ने उसे पैसे दिए थे, तो बस वो ढेर सारी पेप्सियाँ ले आई थी, बोल रही थी कि मैं रास्ते में खाऊंगी। और ये जो है आ गए थे गाड़ी की चाबी लेने के लिए, तो बस हम जो है कार में जाएंगे। और ये जो है हमारे साथ इस बार रुकने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ हमें छोड़ करके आ जाएंगे क्योंकि पहले गए थे इसीलिए, तो अभी सिर्फ छोड़ने जा रहे हैं। और ये जो बस आपको साइड में दिख रही है ना, ये हमारी बस खड़ी हुई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो बस इसका कामकाज होगा उसके बाद जो है इसे चलाएंगे, इसलिए खड़ी हुई है। और यहाँ पर ये अभी हमारी कार भी चेक कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पहले बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी हमें जाने में, हमारी कार जो है बीच में ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कुछ खराबी तो नहीं है, नहीं तो पहले जैसी दिक्कत आ जाएगी और फिर जो है बस में आना पड़ेगा। तो बस चेक कर लेते हैं फिर चलते हैं। बस हमारी सवारी चल दी है इंदौर की ओर और यहाँ पे फाइनली अभी हम इंदौर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। और अभी जो है हमें इंदौर ही इंदौर में 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, तो मेरे ससुराल से मेरे इंदौर तक का जो सफ़र है वो 1.5 घंटे का है। तो 1.5 घंटे में हम इंदौर तो आ गए थे लेकिन हमें इंदौर ही इंदौर में 1.5 से 2 घंटे हो गए घर पहुँचने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और सिटियों में यही सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस फाइनली रात की 9 बजे हम घर पहुँच चुके हैं और अभी खाएँगे खाना। उसके ऊपर सारा कत। अब अलग निकाल क्या करोगे इसको? तो खाना वगैरह तो हमने खा लिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो मेरा भाई है और मेरी मम्मी जो है वो यहाँ पे श्रीखंड बना रहे थे, तो हमारे यहाँ श्रीखंड इसी तरीके से बनाया जाता है कि दही को जो है कपड़े में टांग दिया जाता है और उसके बाद इस तरीके से कपड़े से उठे उसे फेंटा जाता है। हम लोग जो है मिक्सी में नहीं पीसते हैं, उससे जो है ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पर श्रीखंड बना रहे थे तो जिस कपड़े में उन्होंने टांगा था ना, उसी कपड़े का कलर जो है पूरे दही में लग गया था, तो हम सब वही हंस रहे थे कि फूड कलर डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, श्रीखंड में ऑटोमेटिक ही कलर आ गया है। तो बस यहाँ पर मेरा भाई है और जो मेरी मम्मी है वो मिलकर दोनों जो है श्रीखंड बना रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे जो है हमारी तैयारी चिड़ियाघर जाने की हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारे हस्बैंड जी है वो चले गए हैं हमें छोड़ के घर, और यहाँ पे बस हमें जो है चिड़ियाघर जाने की तैयारी करी है। तो मेरे साथ जो है पापा जा रहे हैं, ये है मेरे पापा जो कि ऑटो रिक्शा का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये चले गए हैं कार लेके घर वापस, तो अभी जो है हमें ऑटो रिक्शा में ही चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। तो ऑटो रिक्शा देख रहे हैं अभी और साथ ही में जाएंगे मम्मी और बस दोनों बच्चे जाएंगे, और भाई भाभी जो है नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो भैया है मेरे वो तो जो है ऑफिस चले गए हैं और मेरी भाभी है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जा रही हैं। तो बस पापा मम्मी और दोनों बच्चे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, और साथ में जो आपको लाल टी शर्ट वाला लड़का दिख रहा है ना, वो मेरी बाजी का जो है लड़का है जो यहीं रहता है क्योंकि इसकी जो पढ़ाई है वहाँ यहाँ पर इंदौर में ही चल रही है, तो इंदौर में जो है पढ़ाई वगैरह का सुविधा अच्छी है इसीलिए यहीं रहता है ये। तो बस ये भी हमारे साथ जा रहा है और ये इसी मम्मी से ही बात कर रहा था अभी कि मैं जो है चिड़ियाघर घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो देखते हैं ऑटो रिक्शा कब मिलती है। और बस ये इंदौर की शादियाँ। तो फाइनली हम जो है चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं और सामने देखिए जू किस तरीके से लिखा हुआ है और इसका गेट कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत चिड़ियाघर बना है फ्रेंड्स। मैं लगभग यहाँ पे 10 से 12 साल पहले आई थी, तब ये गेट नहीं बना हुआ था और इतना अच्छे से चिड़ियाघर यहाँ का नहीं था, लेकिन अभी जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे चिड़ियाघर बन गया है और बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफ़ाई भी रहती है इंदौर में, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये देखिए फ्रंट में यहाँ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो आजकल सारी जगह सेल्फी पॉइंट तो बने हुए रहते ही हैं और यहाँ पर हुमा की चल रही है सेल्फ़ी, वो बोल रही थी मेरी सेल्फ़ी ले लो यहाँ पर।
और बस फ्रंट गेट पे ही कुछ इस तरीके से वाइट टाइगर बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अभी आ गए हैं हम अंदर, तो बस गेट के अंदर आते ही आपको कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शार्क पेंट किया हुआ है और यहाँ पे सामने ही जो है चील इस तरीके से घूम रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये। और मेरे बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बस यहाँ पर जो है हमारी ये चिड़ियाघर की सैर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ सबसे पहले जो ये टाइगर है वो कुछ उल्टा सोया हुआ था और पता नहीं किसे प्रणाम कर रहा था ये। और ये देख लीजिए मॉनिटर लिजर्ट, और इतने पास से देखकर इसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और मैंने तो इसे खतरों के खिलाड़ी में ही ज़्यादातर देखा है, शायद आपने भी उसी में देखा होगा। और किस किस ने देखा है ये मॉनिटर लिजर्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, ये जो है पानी वाला मॉनिटर लिजर्ट है जो पानी में रहता है ज़्यादातर। इसे जो है मैंने चिड़ियाघर में फर्स्ट टाइम देखा था। मैंने अभी तक जो है इतनी जगह रह के आई हूँ पर मॉनिटर लिजर्ट नहीं देखा था। तो बस अभी मैं आपको बताती हूँ इंदौर के चिड़ियाघर का सबसे खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पे जो है एक बर्ड हाउस बना हुआ है इस तरीके से, और इसका टिकट अलग से फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लीजिए गेट में कुछ इस तरीके से साकलें टंगी हुई है, तो इसे जो है हम अंदर आ सकते हैं। और ये साकलें यहाँ पे इसलिए टंगी हुई है ताकि जो पंछी है, जो पक्षी है, वो यहाँ से नहीं उड़ पाए। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रास्ता बना हुआ है फ्रेंड्स। और जो पक्षी है ना, जितने भी तरह के पंछी है, वो सारे यहाँ पर खुले ही घूम रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने छत पे जो है ना नेट बिछा रखी है, मतलब जाली बिछा रखी है, जिससे कि इनके जो बर्ड हैं वो जो है बाहर ना निकल पाए, बाहर ना जा पाए, यहीं जो है उड़ते रहें। तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ मुझे सबसे खूबसूरत लगी है इस चिड़ियाघर की। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने जो है खुले में ही जो है यहाँ पर बर्ड्स वगैरह और सारे जानवर देखे हैं। और ये रेबिट जो है कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चिड़ियाएँ थी ये, देख लीजिए। और ये बर्ड्स हमने जो है पहले पाले भी थे और बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही जो है ये मिलनसार होते हैं ये वाले बर्ड्स। और यहाँ पे देख लीजिए, हम अभी चलते हैं आगे। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी खूबसूरत बर्ड बैठी हुई है यहाँ पे, और ये सारे ऐसे ही खुले में ही बैठे हुए थे आप देख सकते हैं। तो अगर आप नहीं आए फ्रेंड्स तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये देख लीजिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो मैंने देखे तो ज़रूर थे लेकिन इन्हें जो है पिंजरे के अंदर देखे थे, लेकिन ऐसे खुले में हमारे साथ घूमते हुए मैंने कभी जो है इस तरीके से बर्ड नहीं देखे थे। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है। और इसका टिकट ना फ्रेंड्स यहाँ पर अलग से है, तो अगर आप चिड़ियाघर में जाओगे एंट्री करोगे तो उसका टिकट अलग है। और अंदर जो ये बर्ड्स वाला एरिया देखना है अगर आपको, बर्ड्स हाउस, तो इसका जो टिकट है वो अलग से आपको लगेगा। तो आप ये भी जाओ तो देख सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑस्ट्रिच है ना उसके अंडे थे ये, और ये कितने बड़े बड़े अंडे हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पेरोट कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है ना ये लेडीज़ गार्ड थी जो कि जो भी टूरिस्ट आता है ना उन्हें हाथ में लेकर के और फ़ोटो खिंचाने के लिए देती हैं। तो ये जो है पेरोट को अपने हाथ पे लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमें जो है फ़ोटो खिंचाने के लिए दे सके, क्योंकि हमने बोला था कि हमें जो है इसे लेकर फ़ोटो खिंचाना है। तो बस उनके हाथ में तो ये आ रहा था, लेकिन जानवरों की खुद की भी अपनी मर्ज़ी होती है, वो जो है हमारे हाथ में नहीं आ पा रहा था और उम्र जीत कर रहा था कि मुझे इसे लेना है। हाथ मत हिलाना ठीक है, हाथ में लो, हाथ में ले 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 ये देखो, ऐसे लो, देखो ये भैया ने कैसे लिया। जा ही नहीं रहा हूँ, तो छोटा वाला तो फ्रेंड्स नहीं आ रहा था पैरेट, तो हमने जो है बड़ा वाला लेने के लिए बोला, तो वो दीदी जो है बड़ा पैरेट लेने के लिए गई हैं। मोइज टाइट हाथ तो करना होगा भैया, देंगे लो जल्दी लो, ये। तो आखिरकार बड़ा पैरेट जो है उसके हाथ पे बैठ गया और काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। और बस यहाँ पे देख लीजिए ये जो पैरेट है कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स नीचे की साइड बहुत सारे पैरेट्स है, बहुत सारी बर्ड्स थी और अलग अलग तरीके की थी, लेकिन नीचे जाना अलाउड नहीं था। और ये जो है पिंजरे से सारे बाहर ही दिख रहे होंगे आपको, तो हमने जो है ऊपर गए फिर, और ऊपर जो है ये सारे बर्ड्स उड़ करके आ गए थे और ऊपर बैठ गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये देख लीजिए ऊपर कुछ इस तरीके से नज़ारे थे, और ये बर्ड्स जो है यहाँ बैठे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे ना फ्रेंड्स हमने जो नीचे पेरोट देखे थे उससे भी बड़े वाले पेरोट थे, और नीचे वाले जो पेरोट हमने देखे थे वो जो है बच्चों के हाथ में देने के लिए थे, और इसे जो है ना बड़ों के हाथ में ही दिए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है, तो बच्चों को कहीं काट ना ले इसीलिए। तो ये जो पेरोट है इसका मूड नहीं था शायद, इसलिए हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो छोटा वाला पेरोट है ना ये जो है उमर ने भी लिया था और मेरी बाजी के लड़के ने भी लिया था, दोनों ने लिया था। तुम्हारे बेटा काट खाती है वो बच्चों को काट। बस बर्ड हाउस तो हमने देख लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ से अभी हम बाहर निकलते हैं, और मेरी जो मम्मी है ना वो साकलों के बीच में फंस गई थी, तो बस उन्हें ही मैं निकाल रही थी यहाँ पे। और यहाँ आ गए हम फनी मिरर हाउस में। तो बस फनी मिरर हाउस तो हमने देख लिया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स। और किस किस ने फनी मिरर हाउस देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये चिड़ियाघर में फ्री है, इसका कोई टिकट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो है शुतुरमुर्ग है, लेकिन इससे भी बिग साइज़ का शुतुरमुर्ग ये था, और ये शुतुरमुर्ग मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, इतने बड़े बड़े आप देख सकते हैं। और ये जो है गार्ड बता रहा था कि ये जो है इतने बड़े शुतुरमुर्ग है कि इंसान को पीठे बिठा के भी दौड़ सकते हैं, इतने हैवी होते हैं और इतने बड़े होते हैं। और ये देख लीजिए इतना क्यूट सा बंदर था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही छोटे साइज का था। और एक बंदर ये भी देख लीजिए आप, ये भी कितना क्यूट लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही फुर्ती से भाग रहा था ये। और बाकी जानवर भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है फ्रेंड्स टाइगर है, जो कि ऊपर उसकी छत पे लेटा हुआ था। और इसके पहले जो आपने देखा ना फ्रेंड्स वो डोगी नहीं, वो सियार था। तो सियार मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने इसके पहले सियार नहीं देखा था। और यहाँ पे जो है ये जो है टाइगर है, तो ये टाइगर ऊपर लेटा हुआ था, लेकिन हमने सोचा कोई चलता हुआ दिख जाए, और हमने फाइनली जो है चलता हुआ टाइगर भी देख लिया। तो यहाँ पर जो है तीन टाइगर थे, एक सोया हुआ था, एक छत पर बैठा हुआ था और एक चल रहा था। और बस यहाँ पे जो टाइगर थे ना उसके जस्ट सामने इस तरीके से ऊपर पेड़ के ऊपर ये बना हुआ था इस तरीके से, ताकि ऊपर से हम टाइगर को देख पाए, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ी। और ये पेड़ के ऊपर इस तरीके से बना हुआ था, और पेड़ के ऊपर चढ़ के लोग सेल्फी भी ले रहे थे। तो दोनों बच्चे बोलने लगे कि हमें भी इसके ऊपर चढ़ना है, तो मैंने बोला ठीक है आप दोनों चढ़ जाओ। और उन्हें जो है ऊपर से टाइगर नज़र आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उमर वही देख रहा था कि जो है टाइगर मुझे कहीं अच्छे से नज़र आ जाए यहाँ से।
और बस यहाँ पे जो है ये वाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर है जो कि यहाँ सोए हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो इन्हें भी ठंडक चाहिए। चलो ये इसके अंदर सी, इसके अंदर सी डालते हैं, ये पकड़ के सी डाल दो अंदर। उमा ये कितनी सुंदर दिख रही, उमा अच्छी दिख रही। अब उमर तो जाता, ये उमर का डाल लेता। ये तो अलग ही दिख रहा है, उमा अच्छी दिख रही थी। मुझे मेरा दिखा, मेरा दिखा, मेरा तुम्हारा होता है इसके अंदर। तेरा क्या है, तेरा नाम क्या है? और बस यहाँ पे हमारी जो हुमा है वो ज़्यादा ही जो है होशियार बन रही थी, तो वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी और फिर जो है गिर पड़ी। तो यहाँ पे अभी हमारा चिड़ियाघर ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन हमें चल चल के भूख लग गई थी, तो बस यहाँ पे हम आ गए थे कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे जो टोकन काउंटर लिखा है ना, यहाँ से आप कोई भी दुकान का टोकन लीजिए, टिकट लीजिए और जो मर्जी आए वो खाइए। तो यहाँ पे आ गए थे पापा हमारे लिए आइसक्रीम लेकर, और हमने जो है यहाँ पे पानी पताशे भी खाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी थी यहाँ पे सारी चीज़ें। तो अभी जो है फ़िलहाल हम आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे के चिड़ियाघर देखने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा बब्बर शेर, तो यहाँ पे जो है तीन शेर थे, आपको पीछे एक सोया हुआ दिख रहा होगा और ये दो जो है पास में बैठे हुए थे। तो मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि एक शेर है और एक शेरनी है, क्योंकि मुझे शक्ल से ऐसा नज़र आ रहा था। जो लेटा हुआ है ना, मतलब जो बैठा हुआ है, वो मुझे शेर नज़र आ रहा था, और जो ये पीछे से चल के आ रही है ना, ये शेरनी थी शायद। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको भी कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे जो है इनके चेहरे से कुछ ऐसे ही लग रहा था कि ये शेर और शेरनी है। और बस उन्हें देखने के बाद फिर जो है हम यहाँ पे एलिफेंट भाई साहब के पास आ गए थे, और इनके जो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये एलिफेंट भाई साहब जो है पत्थर मार देते हैं, तो इसलिए हमें डर भी लग रहा था, तो इसीलिए हमने जो है फटाफट इन्हें देखा और फिर यहाँ से निकल लिए हम। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे भालू भाई साहब, पता नहीं गुस्से में थे क्या थे कि वो पूरे जो है पत्तों में लिपट गए थे और बस यहाँ पे जो है चल रहे थे। ठंडे ठंडे शावर में से हम निकल के आ गए हैं, और यहाँ बना हुआ है एक और सेल्फी पॉइंट। और बस अभी जो है हम आ गए हैं यहाँ छोटे से पार्क में, तो ये पार्क भी जो है अंदर ही बना हुआ है चिड़ियाघर के। और यहाँ पे जो है ये हमारे जो बच्चे हैं ना, वो जो है यहाँ पे खेल रहे हैं, और बस इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जब बच्चे जो है इन्जॉय करते हैं ना, तो हमारे पैसे वसूल हो जाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे फौजी साहब के बेटे को यहाँ पे भी चैन नहीं है, पूरे उसके पापा जैसा है। आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो है ऊपर टायर पे चढ़ रहे थे, और ये भाई साहब यहाँ पे साइड में कर्तव्य कर रहे थे, और मैं जो है इन्हें कंटिन्यू देख रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए। तो वहाँ पे जो है इन्होंने एक्सरसाइज की, उसके बाद ये फिर ऊपर चढ़ने लगे, और मैंने सोचा शायद ये उतर जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है टायर के अंदर से जो है बाहर निकल के, और ये देख लीजिए ये जो है इनका हो गया पोपट, ये जो है नीचे गिर पड़े, और फिर से जो है इनका काम शुरू हो गया। इन्हें बिल्कुल भी जो है लगने का डर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए बुढ़ापे में जवानी का जोश। और यहाँ पे जो है अभी हम आ गए थे स्नेक हाउस में फ्रेंड्स, और इसका भी टिकट अलग से है यहाँ पे, अगर आप जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आपको सारे सांप दिखाते हैं।
तो बस चिड़ियाघर का टूर हो चुका है खत्म और अभी हम बाहर आ गए हैं फ्रेंड्स। और ये वाइट टाइगर और ये डॉल्फिन्स जो थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये जो है गेट पर ही यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे कुछ सेल्फीज हमने खींची थी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इंदौर का चिड़ियाघर आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ फिर से आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।